हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल सैम व्लॉग चैनल। तो फ्रेंड्स यार, आज यार मैं व्लॉग शूट करने वाला नहीं था, क्योंकि यार मैंने सोचा यार कुछ कंटेंट वगैरह तो मेरे माइंड के अंदर है नहीं, और मैंने आप लोगों से वादा कर रखा है कि मैं आपको डेली व्लॉग दूंगा, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। और हाँ, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं आपको एक बात बता दूँ कि रोज़ा रखने से कमज़ोरी आती है, ठीक है? रोज़ा रखने से कोई कमज़ोरी नहीं आती, मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ। और हाँ, मेरे रोज़े चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा व्लॉग के अंदर डिले हो सकता है, ठीक है? और ये चीज़ मैं बता दूँ, रोज़ा रखने से बिल्कुल भी कोई कमज़ोरी नहीं आती। आप मुझे देख सकते हो, मेरे पूरे रोज़े चल रहे हैं, ठीक है? और रोज़े वाला आपने व्लॉग भी देखा होगा, माई रमज़ान रूटीन वाला, ठीक है? तो बस यही कहना चाहूँगा सब लोगों से कि फालतू के बहाने छोड़ करके जितना हो सके इस महीने में अपने आप को रोज़ा रखने के लिए ढालो। रोज़ा रमज़ान के अंदर जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ठीक है? और दूसरों को भी साथ में लेकर के जाएं, उनसे कहें कि वो लोग भी रोज़ा रखें। तो फिलहाल जो है अभी तो कुछ करने के लिए है नहीं। हाँ, अभी कुछ काम है मेरे पास, ठीक है? साकिब, जैसे कि आपने देखा कल वाली वीडियो के अंदर, साकिब जो है मतलब इंजीनियर है हमारा, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, पंखा ठीक कर देता है, ठीक है? आज वो कूलर ठीक करने वाला है, ठीक है? मैं दिखाता हूँ, कुछ उसके अंदर शायद पंगा हो गया, उससे पूछते हैं क्या सीन है क्या नहीं, ठीक है? तो साकिब जो यहाँ पर आ चुका है, साकिब क्या काम है आज हमारे पास? भाई, कूलर का जो पंप है, हाँ, उसकी मोटर दाल करंट पीती है। अच्छा। तो उसका पंप दूसरा फिट करेंगे आज। दूसरा फिट करेंगे, एक्चुअली हाँ। कूलर का पंप के अंदर जो ना, वो कम से कम यार 20 साल पुराना कूलर है, और जो है वो सही से काम नहीं कर रहा, ऊपर पानी नहीं फेंक पाता है, और अभी जो है लॉकडाउन चल रहा है, तो इस वजह से दूसरा भी नहीं ले सकते, सारी शॉप्स वगैरह बंद पड़ी है, तो तब तक के लिए हमें इसी से ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है? और प्लीज़ ये थोड़ा टूटा फूटा है, ये मत बोलना कि कैसा कूलर चला रहे हो, क्या चला रहे हो, ठीक है? और चलो जी, चलें साकिब, चलो। तो हमारा साकिब जो है मेहनत करने में लगा पड़ा है, ये देख तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा टूटा फूटा है, कोई यार कमेंट मत करना कि इतना बेकार था है। और लॉकडाउन खुलते ही हम नया कूलर ले लेंगे, फिलहाल जो अभी के लिए इसी से ही काम चलाना पड़ रहा है, ठीक है? तो ये है काफ़ी पुराना, 20 साल पुराना कूलर है, इसकी ऐसी तस्वीर भी पड़ी है। मैंने तो कहा कि घर वालों से नया ले लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है लॉकडाउन चल रहा है, तो कोई भी शॉप ओपन नहीं है, तो फिलहाल इसे ये काम चलाना पड़ा। लेकिन ये हवा एकदम मस्त फेंकता है, और जो है जो आजकल के जो लोहे के कूलर से लाख गुना मजबूत कूलर है, क्योंकि 20 साल पुराना है। पहले की जो क्वालिटी होती थी बिल्कुल प्योर होती थी, आज तो हर चीज़ में मिलावट आ रही है। क्यों साकिब, क्या रह गया इसके अंदर, क्या करेगा ये तो बता भाई। इसको खाड़ के फेंकूंगा यहाँ से, ये करूँगा। अच्छा, ये करेगा, देख ले कहीं दोबारा करंट ना लग जाए। करंट नहीं लगेगा। ये तो तूने पहले चेक कर लिया था ना, चल रहा है वैसे? देखेंगे चला के, ऊपर इसके अंदर पानी है, सही से फेंक नहीं पाता ऊपर, इस वजह से जो है। बाकी कूलर बहुत मस्त है, पंखे वगैरह सब बढ़िया, बहुत पुराना कूलर है। कैची दिन में आते कैची ना, बोले ठंडा पानी हो गया, बर्फ डाल के इसके अंदर। गेट खोलना होटल वाला, ताकि भी हटा, ये टूट जाएगा। और यहाँ पर ये इसके अंदर फूल निकले थे, लेकिन ये जो है शाम होते होते चल गए। इसे इधर रख दो, इसे कौन सा वो बोलते हैं, ज़रा कोई मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? कौन सा पौधा होता है इसे, पेड़ बोलते हैं। हाँ भाई साकिब, क्या कर रहा है? तो इस पंप का क्या होगा? इस पंप को निकाल दूंगा, फेंक दूंगा, बेच दूंगा कबाड़े में। फेंक देगा? अरे बेच दियो। हाँ बेचूंगा ही। सही है वैसे ये पंप भी। काम
करने के लिए कहा था, इसने काम बढ़ा दिया। क्या करा भाई, क्या तोड़ा तूने? कुछ ना, टूटा टूटा था, अभी तूने वापस। चलो खोलो, खोलना कट का। अबे पानी निकालने का देसी जुगाड़। खोलो खोलो, के लिए हो जाएगी। ओ मेरे पर नहीं आ रहा, चाहिए बता रही। क्या करूं, पानी में डाल दे। ये आ गया, कितने तेज आ रहा है तेरी जवाब नहीं। पानी निकालने का देसी जुगाड़ है, जिसे अपने घर का पानी निकालना हो तो पानी निकाल के निकाल सकते। गंदा पानी हो रहा है सारा। हाँ ये गंदा पानी है, ठीक है। ऐसे आप ड्रेन कर सकते हो वाटर को। भाई साकित ने जैसे जुगाड़ निकाला है। तो देख सकते हो ये साकित कितनी मेहनत कर रहा है हमारा। और भाई साकित कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया लग रहा है, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, आज का रोजा रखा है? सब पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? सब पूछ रहे हैं जो लोग देख रहे हैं। रखा है रोजा? रखा है। सही में झूठ बोल रहा है? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, टोपी लगा रखी है भाई। अच्छा सही में? हाँ यार साकित तो बढ़िया है, रोजा रखा है। रोजा कर, रोजा रख के मेहनत करने में कुछ और ही मजा है भाई। अच्छा कुछ और ही मजा है। हाँ एक भाई रख के देखो आप भी। अभी मेरे तो पूरे चल रहे यार, ये तो मुझे ही वो बना रहा है। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए कमेंट है। किसके लिए साकित ये बात? जो लोग देख रहे हैं वीडियो हमारी। हाँ तो उनके मेहनत कर रहा है, पानी भर रहा है इसके अंदर। ये सारी सफाई हो चुकी है इसकी, अब जल्दी से दो इसे। साकित भाई डूब तो रहा नहीं है। अब चल जाए यार, टेढ़ा मेढ़ा बग रहा है। ओ बेटे मौज कर दी। साकित लास्ट वाले में क्यों नहीं आ रहा? साकित लास्ट वाले में क्यों नहीं आ रहा? उसका मैंने सुराग बंद कर रखा है। क्यों है? उस साइड का खुला देता है ना। अच्छा उस साइड का जो ना हम लोग गेट खोल देते हैं ताकि हवा आ जाए। अरे दोनों तरफ चलता है। अभी ये पानी की स्पीड भी बहुत तेज़ हो गई है और पंप भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तब सोने में मज़ा आ जाएगा। तो भाई साहब फ्री के हवा खा रहे हैं, इनकी शक्ल देखो, काम ना काज, ठीक है। देखो अब ये साकित भी आ रहा है। चलो भाई साकित ये काम तो तेरा हो गया, इसको तूने कूलर भी ठीक कर दिया है। चलो भाई बढ़िया है। चलो अब इसके काम का पर्दे लगा दे, वो रखे इसके जो है। साकित एक काम और करियो, इसके जो है ना सुराग जो है शायद बंद हो रहा होगा। एक आध एक ये बंद हो रहा, एक ये बंद हो रहा, ये देख एक ही वाला बंद हो रहा है। इसके अंदर सुई से जो है वो कर दे, एक देख कोने में ये बंद हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर देख, इसके अंदर भी ज़्यादातर बंद ही है, ठीक है। पता है मुझे ऐसे करते हैं। तो अभी जो है कूलर जो है पूरा एकदम फिट हो चुका है, आगे मैंने ठीक कर दिया। भाई इधर का जो है पानी इस वजह से नहीं चलता क्योंकि इधर का हम जो है खोल के रखते हैं और इन दोनों तरफ का चलता है। बाकी ये कूलिंग बहुत बढ़िया करता है और ये एकदम सॉलिड है, ठीक है। 20 साल पुराना कूलर है। तो देखते हैं साइज कहा कि रोजा खुलने वाला है। और तू क्या कर रहा है? पानी पी रहा है? रोजा नहीं पी रहा? चीनी रोजा नहीं है? खोलूंगा अभी, खुलने वाला है भाई। रोजा खुलने वाला है, अपने लिए रोजा बना रहा है, ठीक है। रोजा खुलने में कितना टाइम लगेगा? था कि दो मिनट रह रहा है। चल भाई जल्दी से आके दस्तखान पे बैठ, तो दस्तखान पे मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। देखो रोजे में तरबूज है, पकौड़ी है और बाकी अभी इधर की तरफ बन रहा है, ठीक है। इफ्तार का टाइम बस होने वाला है। साकिश क्या क्या है? अरे पापा क्या पढ़ रहे हो? अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हैं, तो बस अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हैं। बताओ पापा जल्दी से बस खुलने वाला है, ठीक है। खजूर तो ले आओ, खजूर खजूर आ रही है, ठीक है। खजूर से रोजा खोलना चाहिए, खजूर से रोजा खोलना सुन्नत माना जाता है। न्यू पैकेट ये, कितने पैकेट बचे भाई? कुछ भी नहीं है, लास्ट ही है। तीन पैकेट थे इन्होंने, एक महीने 15 दिन के अंदर इन्होंने 4 पैकेट खत्म कर दिए। 4 लाया था हमने, दो, ठीक है। तो फ्रेंड्स रोजा वगैरह जो है रोजा खुल चुका है और जो है सबका इफ्तार हो गया है, नमाज भी पढ़ ली गई है और अब नमाज खाने के बाद जो है खाना खाया जा रहा है। ये वो मेरा डिनर, ठीक है। अब इसे खाने के खा ली, रोजा खुल गया। हाँ खुल गया, आवाज़ है नहीं, खुल गया भाई रोजा। अच्छा खुल गया, तो सबको मालूम है, खुल गया, चिल्ला क्यों रहा है?
आवाज नहीं आ रही थी ना। अच्छा अब लग रही है। आज हमारे घर में आलू पम्प से बने आलू पम्प ठीक है। खाना खाने के बाद बाद का टाइम हो चुका है और अब नमाज के लिए जाना है। आई थिंक त्रावी भी हो रही होगी। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग को मैं जो है यहीं पर ही एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।